Karigar Coaching Center, an institute of science and commerce. चलिए डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास एएमयू जामिया 11th एंट्रेंस का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लास्ट क्लास तक हमने डिस्कस कर लिया है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। उससे प्रीवियस हमने डिस्कस करा था अपना लीनियर इक्वेशन, और उससे प्रीवियस पॉलिनोमियल, और आपके पास सबसे फर्स्ट नंबर सिस्टम। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ओके। मतलब एपी को हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में। एपी क्या है हमारे पास? एपी अगर सबसे पहले हम बात करें सीक्वेंस की, सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस क्या होता है आपके पास, नोट करिए। सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ नंबर्स, सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज इन डेफिनेट ऑर्डर, अरेंज इन डेफिनेट ऑर्डर। सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ नंबर अरेंज इन डेफिनेट ऑर्डर एंड फॉर्म अकॉर्डिंग टू सम सर्टेन रूल, ठीक है। तो सीक्वेंस हमारे पास क्या है? सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ नंबर अरेंज इन सम ऑर्डर, ओके, अरेंज इन सम ऑर्डर, ओके। तो सेट ऑफ नंबर यहां पे आपके पास प्रेजेंट है, किस में? सीक्वेंस में, और ये एक ऑर्डर में अरेंज होंगे, क्लियर। तो वो क्या है आपके पास? सीक्वेंस। इसी तरीके से यहां पे आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या है आपके पास? ये भी सीक्वेंस है, ठीक है। ये भी क्या है आपके पास? सीक्वेंस है, मतलब कोई स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज है नंबर, सेट ऑफ नंबर है जो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, कोई ऑर्डर में अरेंज होगा, ओके। तो वो भी आपके पास क्या है? एपी में आता है, क्लियर। मतलब यहां पे इंक्रीजिंग में भी हो सकता है और डिक्रीजिंग में भी, ठीक है। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब ये कह सकते हो आप, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? एक सीक्वेंस है जहां पे नंबर कैसे अरेंज होंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले हम, एग्जाम्पल हमारे पास नंबर है A1, A2, A3, A4, और ये मूव कर रहे हैं आपके इनफाइनाइट, ठीक है, इन्फिनिटी तक ये नंबर है आपके पास। तो ये एपी कब कहलाएगा आपके पास? जब यहाँ पे कुछ ऑर्डर होगा, मतलब जो नंबर है, देखिए सेट ऑफ नंबर है, ठीक है, और कुछ ऑर्डर में अरेंज है। ऑर्डर का मतलब क्या है? इनका जो डिफरेंस है, इनका डिफरेंस क्या है? इक्वल, क्लियर। जैसे एग्जाम्पल हम ले इस फॉर्म में 2, 4, 6, 8, 10, और ये कहाँ जा रहा है आपका? इन्फिनिटी, ठीक है। तो 2 से स्टार्ट हुआ, 4 आया, 6 आया, 8 आया, इसका मतलब यहाँ पे ऑर्डर कैसा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कैसा ऑर्डर है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। और कितना सम ऑर्डर कैसा है यहाँ पे? डिफरेंस कितना है यहाँ पे अगर आप चेक करो? 2। यहाँ पे भी डिफरेंस क्या है? 2। ये भी क्या है? 2। ये भी क्या है? 2। मतलब आगे जितने भी नंबर होंगे एक ऑर्डर में अरेंज होंगे, वहां पे आप क्या करोगे? वैल्यू को ऐड करोगे, और वो वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 2, ठीक है। तो ये हमारे पास किस फॉर्म में? एपी फॉर्म में। इसी तरीके से आप एग्जांपल लो 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये हमारे पास ऑड नंबर, तो डिफरेंस क्या है? 2। फर्स्ट नंबर क्या है? 1। पूरा नंबर का सेट है, ठीक है, और डिफरेंस क्या दे रखा है आपको यहाँ पे? 2। मतलब एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज है, क्लियर। तो ये भी कैसा है आपके पास? ये सीक्वेंस कैसा है? ये भी आपके पास क्या है? एपी। ये भी क्या है आपके पास? एपी, ओके। इसी तरीके से आपको ये फॉर्म दे रखी है 100, 90, 80, 70, 60, 50, ठीक है, और ये आपके पास लास्ट दे रखा है 10। क्या दे रखा है? 10। अब देखिए नंबर कैसे,
स्टार्ट कहां से हुआ, 100 से, और डिक्रीज हो रहा है कहां तक, 10 तक। तो ये सेट ऑफ नंबर है, ठीक है, लेकिन ऑर्डर कैसा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहां पे अगर आप डिफरेंस चेक करो, यहां पे डिफरेंस 4 में से आप 2 लेस करोगे, रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव में 2। यहां डिफरेंस आप चेक करोगे कैसा आएगा, माइनस में 10, मतलब आगे जो नंबर होगा वो क्या होगा, डिक्रीज। अगर आप इसके आगे चेक करो क्या होगा, 10 के बाद 0, 0 के बाद माइनस 10, ठीक है। तो इस तरीके से आप एपी की फॉर्म होती है आपके पास, जहां पे आपके पास इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब किस में दे रखे हैं आपको, एपी में, यहां पे ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यहां पे इंक्रीजिंग, यहां पे भी इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस जो है हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। ये कैसा डिफरेंस है आपके पास, कॉमन। देखिए इसमें से इसको लेस करिए आप, रिजल्ट क्या आएगा, 2। इसमें से इसको लेस करिए, रिजल्ट क्या आएगा, 2। कॉन्जिक्यूटिव में आपको यहां पे सब्ट्रैक्ट करनी है वैल्यू, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप 10 में से 2 लेस करो और रिजल्ट आपका कॉमन डिफरेंस आ जाए, नहीं, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या है, 4। 4 में से 2 लेस करेंगे क्या आएगा, 2। 6 में से 4 लेस करेंगे, 2। 10 में से 8 लेस करेंगे, 2। इसी तरीके से 5 में से 3, 2। 7 में से 5, 2। 9 में से 7, 2, ठीक है। 90 में से 100, माइनस 10। 80 में से 90, माइनस 10। 70 में से 80, माइनस 10। तो ये हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस, अगर ये आपके पास एपी दे रखा है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, A2 माइनस A1, सेकंड माइनस फर्स्ट। इसी तरीके से थर्ड माइनस सेकंड भी हो सकता है कॉमन डिफरेंस, फोर्थ माइनस थर्ड भी हो सकता है, ठीक है। ये जो हमारे पास दे रखी है A1, A2, A3, A4, ये पूरा क्या है, सिक्वेंस है, सिक्वेंस की फॉर्म में दे रखा है, क्योंकि यहां पे क्या दे रखा है, एक ऑर्डर आपको गिवन है, ठीक है। नंबर में वैल्यू ऐड होती जा रही है, 2, 2, तो ऑर्डर है आपके पास, एक स्पेसिफिक ऑर्डर है। यहां पे नंबर क्या हो रहा है, यहां पे डिक्रीज हो रहा है माइनस 10 से, तो यहां पे एक ऑर्डर गिवन है आपको, ठीक है, डिक्रीजिंग का, यहां पे इंक्रीजिंग का, ठीक है। तो ये सिक्वेंस है। अब यहां पे जो A1, A2, A3 है, वो क्या होती है, टर्म्स। क्या होती है, टर्म्स, मतलब A1, A2, A3 क्या है हमारे पास, टर्म। वो पॉलिनोमियल का केस आपको याद नहीं करना कि टर्म हमारी क्या होती है, वेरिएबल और कोफिशिएंट कंबाइंड हो। यहां पे क्या है, A1, A2, A3, मतलब जो नंबर दे रखे हैं, ठीक है, वो आपके पास टर्म है यहां पे। क्लियर, इसको क्लियर करिए। अब देखिए A2 में से A1 को लेस करा, कॉमन डिफरेंस आ गया आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट A1 क्या है हमारे पास, A1 आपको पता है क्या है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म। सारी क्या है, टर्म्स है, A1, A2, A3, A4, लेकिन फर्स्ट टर्म कौन सी है, A1, ठीक है। और लास्ट टर्म कैसी होगी, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को आप किस तरीके से डिनोट करोगे, या तो आप डिनोट करो L के थ्रू, L, ठीक है, या डिनोट करो nth। nth टर्म का मतलब क्या होता है, मतलब ये जो पॉज इन्फिनिटी दे रखा है, इसका मतलब है an, ठीक है, nth टर्म है, कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। nth टर्म में कोई नंबर होगा आपके पास, तो ये हमारे पास क्या हो गया, an इक्वल होगा l के, l क्या है, लास्ट टर्म, और इसी को आप क्या कहोगे, लास्ट टर्म। nth टर्म क्या होती है हमारे पास, लास्ट टर्म, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है, ये तो हो गई बात एपी की, ठीक है। अगर इस फॉर्म में आपको गिवन है 10, ठीक है, 20, 15, 30, 35 और ये आपके पास 100। इसी तरीके से एक फॉर्म आपको ये दे रखी है 10, 20, 30, 40, 60, 80, ठीक है, और ये आपका सपोज कर लिए इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो एपी क्या होगी आपके पास, ये एपी, एपी क्या होती है, जहां पे कॉमन डिफरेंस आपका क्या होगा, सेम होगा। कॉमन डिफरेंस चेक करिए, 20 माइनस 10, 10, 15 माइनस 20, माइनस 5, ठीक है। तो यहीं पे आपका चेक हो गया, ये जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम नहीं है, तो ये आपकी एपी की फॉर्म में नहीं है। क्लियर, एक ऑर्डर में अरेंज होनी चाहिए, या तो इंक्रीज करे सेम नंबर से या डिक्रीज करे, लेकिन यहां पे इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है, तो ये आपकी एपी की फॉर्म नहीं है। इसी तरीके से इसको देखिए, 10, 20, 30, 40,
60, 10 का डिफरेंस, 10, 10, यहां क्या आ गया 20, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक वैल्यू यहां पे नहीं है, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है आपका, डिफरेंट हो रहा है यहां पे, कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम, यहां 10 है तो सारी वैल्यूज में कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 10। तो ये भी आपके पास क्या है, एपी की फॉर्म में नहीं है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एक एपी दे रखी है इस फॉर्म में 10, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं 100 से, 100 और इससे पहले 10,000, ठीक है 10,000, इसी तरीके से यहां पे 0, 5 हो गए, इस फॉर्म में आपको गिवन है, ठीक। फर्स्ट टर्म क्या है 10, सेकंड टर्म 100, 1000, 10,000, 1 लाख, इसी तरीके से 10 लाख, ठीक है। तो यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है 10 है, सेकंड टर्म क्या है 100, थर्ड टर्म 1000। अगर आप डिफरेंस चेक करो, यहां पे क्या होगा डिफरेंस 90, यहां पे डिफरेंस क्या होगा आपके पास डिफरेंस 900, यहां पे डिफरेंस क्या होगा आपके पास, इसी तरीके से आप यहां पे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है क्या फिक्स है, डिफरेंस मतलब जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है इनका, ए टू में से ए वन लेस कर रहे हैं, ए थ्री में से ए टू लेस कर रहे हैं, क्या रिजल्ट आपका सेम आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये आपका एपी में नहीं है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर होगी, एपी में हमारे पास क्या होता है, जब भी आपका कॉमन डिफरेंस क्या होगा सेम होगा, तो वही फॉर्म आपकी क्या है एपी है, बाकी की जो भी कंडीशन है वो एपी की फॉर्म में नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से अब देखिए एक होता है आपका फाइनाइट एपी, फाइनाइट, ठीक है, एक होता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, फाइनाइट का मतलब क्या है, जहां पे नंबर ऑफ टर्म्स आपकी डिफाइंड होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी आपके पास डिफाइंड होंगी, वो क्या है फाइनाइट एपी। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास डिफाइंड नहीं है, एग्जाम्पल लें हम 5, 10, 15, ठीक है 20, 25, 30, ये क्या है आपके पास फाइनाइट एपी है। अगर इस फॉर्म में भी दे रखा हो आपको, लास्ट आपको 100 दे रखा है, तो ये भी क्या है फाइनाइट है, लास्ट टर्म क्या है 100, मतलब आपको वैल्यू यहां पे गिवन है, ठीक है। तो लास्ट टर्म हमारे पास क्या है 100, तो वैल्यू आपको क्या है गिवन है लास्ट टर्म की, इसका मतलब ये कैसी एपी है आपके पास फाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, गिवन है आपको इस फॉर्म में 10, 20, 30, 40, 50 और ये आपके पास इनफाइनाइट दे दिया, या nth टर्म इस तरीके से शो कर देगा। तो ये कौन सा फॉर्म आ गया एपी की, इनफाइनाइट, जहां पे मतलब लास्ट टर्म आपको डिफाइंड नहीं है। लास्ट टर्म किस तरीके से शो करेगा, या तो एल के थ्रू शो करेगा या nth टर्म, ए एन, क्लियर। तो nth टर्म या लास्ट टर्म अगर शो हो रहा है, इसका मतलब एपी कैसी है इनफाइनाइट। फाइनाइट में क्या है, एपी में लास्ट टर्म आपको डिफाइंड है या लास्ट टर्म आपको डिफाइंड नहीं है। 30 आपको, मतलब ये जो डॉट डॉट शो हो रहा है इसका मतलब क्या है, 30 के बाद 35 रहेगा आपके पास नंबर, देन 40, 45, तो ये वैल्यू आपको डिफाइंड है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस स्टार्टिंग से क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो आगे भी कैसे ऑर्डर में होगा 5 में इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये एपी का आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्लियर है, लास्ट टर्म क्लियर है, कॉमन डिफरेंस क्लियर है आपको, सीक्वेंस क्या होता है आपको क्लियर है, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है वो आपके पास सीक्वेंस है, जहां पे ऑर्डर कैसा होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब देखिए आपके पास जो नंबर है, मतलब जो टर्म्स हैं, वो रियल नंबर भी हो सकती हैं। रियल नंबर का मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, ठीक है। तो रेशनल में आपको पता है ये जो भी वैल्यू आपकी पी वाई क्यू के फॉर्म में, और क्यू जो है जीरो के इक्वल नहीं है, वो सारे ही नंबर क्या है रेशनल नंबर, ठीक है। तो वो आ सकते हैं आपके एपी की टर्म में। इसी तरीके से इरेशनल नंबर भी आपके फॉर्म कर सकते हैं एपी, ठीक है। इरेशनल नंबर कैसे फॉर्म कर सकते हैं, इरेशनल नंबर होते क्या है, जो पी वाई क्यू की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, मतलब जो रूट की फॉर्म में आपको नंबर गिवन है, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर हम ली, ये सब जितने भी आपने केसेस देखे ये किसके थे, रेशनल नंबर के केसेस, या आप इस फॉर्म में और देख लो 1/1, ठीक है 1/2, ठीक है 1/3/2, ठीक है 2/5/2, देन आपके पास 3/7/2। तो ये कैसी फॉर्म दे रखी है आपको, रेशनल पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। कॉमन डिफरेंस अगर आप चेक करोगे सब में क्या आएगा आपके पास 0.5, मतलब 1/2,
क्लियर। तो ये क्या है आपके पास, रेशनल नंबर हो गए। इसी तरीके से इरेशनल नंबर भी आपकी एपी फॉर्म कर सकते हैं, 3 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, ठीक है, 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2, और आपके पास 3 प्लस 3 रूट 2, और ये आपके पास जा रहा है इंफिनिटी। तो ये भी एपी है आपके पास, इरेशनल नंबर है आपके पास। और ऑर्डर कैसा है आपके पास, यहां पे फर्स्ट नंबर 3, फर्स्ट टर्म 3, सेकंड 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, डिफरेंस क्या होगा इनका, 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस 3, क्या आ जाएगा आपके पास, 3 3 कैंसिल, रिजल्ट क्या आएगा आपके पास यहां पे, स्क्वायर रूट 2। चेक करिए आप, डिफरेंस क्या होगा, 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 में से आप मतलब a2 माइनस a1 क्या होगा, d, और d किसके इक्वल है यहाँ पे, 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस 3, डेट इज इक्वल टू 3 3 कैंसिल, रिजल्ट क्या आ गया, स्क्वायर रूट 2। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा आपके पास, 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2, ये 3 3 कैंसिल, 2 रूट 2 माइनस रूट 2, डेट इज रूट 2। इसी तरीके से आगे सब में क्या होगा आपके पास, ऑर्डर कैसा होगा, स्पेसिफिक मतलब जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कैसा होगा आपका, सेम। तो जो भी आपके पास रियल नंबर है वो सारे ही नंबर आपके पास फॉर्म कर सकते हैं आपकी एपी, ठीक है। अब अगर बात करें हम, यहाँ पे आपके पास डेफिनेशन थी सीक्वेंस में, सीक्वेंस क्या डिफाइन कर रहा था आपके पास, जो भी आपके पास नंबर है, जो भी सेट है नंबर का, वो क्या है, अरेंज है एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, ठीक है, कोई भी ऑर्डर में अरेंज है, या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, यही आपके पास सीक्वेंस था। और परफॉर्म कैसे हो रहा है आपके पास, मतलब जो फॉर्म हो रहा है वहाँ पे आपके पास सीक्वेंस, वो कोई स्पेसिफिक रूल से हो रहा है, ठीक है, कोई भी आपके पास रूल होगा जो फॉर्म करेगा सीक्वेंस को, ठीक है। एपी की बात करें तो एपी में आपके पास एक रूल है, मतलब जो भी आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी वो किस फॉर्म में होगी, nth टर्म आपका इक्वल होगा, मतलब ये फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है, जिससे आपके पास एपी फॉर्म होगी, क्लियर। तो सीक्वेंस आपके पास अलग अलग सीक्वेंस हो सकते हैं आपके पास, जीपी होता है आपके पास, ठीक है। एपी में क्या होगा आपके पास, a2 माइनस a1 क्या होगा आपके पास, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा आपके पास एपी के लिए, a+n-1d। इसी तरीके से आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, जीपी में क्या होता है, जैसे हमने एग्जांपल ली थी 10 12000, ठीक है, तो 10 100, ये देखिए आप 10 12000 10000, ठीक है, 1 लाख, ठीक है। तो ये आपके पास जीपी में दे रखा है, 100 upon 10 10, 1000 upon 100 कितना होगा आपके पास, 10, 10000 upon 1000 10, 1 lakh upon 10000 डेट इज 10। तो ये क्या है आपके पास, जीपी है। एपी में क्या होगा आपके पास ऑर्डर, a2 माइनस a1 क्या होगा आपके पास, कॉमन डिफरेंस, मतलब सेम वैल्यू होगी सब में। यहां पे आपके पास a2 upon a1 होगा। तो ये क्या है आपके पास, एक रूल के थ्रू फॉर्म हो रहा है। एपी में रूल कैसा है आपके पास, nth टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1d। तो ये आपके पास फॉर्मूला है आपके पास एपी के लिए, nth टर्म लास्ट टर्म, a क्या है फर्स्ट टर्म, d क्या है कॉमन डिफरेंस, ठीक है, और n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब जितनी भी आपके पास नंबर ऑफ टर्म प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो सब क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। अब अगर बात करें हमारे पास इसी तरीके से सम की बात करें, ठीक है, तो सम में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है एपी का, सम की बात करें, एस एन इक्वल टू, मतलब ये आपके पास एपी दे रखा है 2 4 6 8 10, इतना दे रखा है आपको, एक फाइनाइट एपी आपको बताइए, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म आपको पता है 2 है, कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस 2 है, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, ओके। और लास्ट टर्म क्या है, nth टर्म, देखिए फर्स्ट टर्म तो 2 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, और लास्ट टर्म क्या है 10, क्लियर। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, काउंट कर सकते हो आप, 1 2 3 4 5, n क्या है 5, ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है, आपको सम फाइंड करना है। तो सम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लिख लिए n by 2 a plus an n by 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। अब देखिए लास्ट टर्म आपको गिवन नहीं है, अभी तो आपको लास्ट टर्म गिवन है, तो फॉर्मूला आप कौन सा यूज कर रहे हो, a plus an, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और इंटू एन बाई टू, तो सम आ जाएगा आपके पास। अगर लास्ट टर्म आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, जैसे ये केस आपको दे रखा है 2 4 6 8, और यहां आपके पास nth टर्म दे दिया, ठीक है, तो वहां पे वैल्यूज क्या क्या गिवन होंगी आपको, फर्स्ट टर्म गिवन है 2, देखिए फर्स्ट टर्म तो 2 है आपके पास, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 4 माइनस 2 डेट इज 2,
ओके nth टर्म क्या है हमारे पास, यहाँ पे गिवन नहीं है, लास्ट टर्म गिवन नहीं है, लेकिन आपको वहां पे डिफाइन करेगा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स वो कहेगा 5 क्वेश्चन में, ठीक है। अब आप फाइंड कर सकते हो सम कैसे, n by 2 फॉर्मूला आपके पास यही होगा a plus an, तो इसको डिराइव करोगे आप a, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है यहां से a plus n minus 1 d, a plus n minus 1 d, तो इसको ओपन करोगे आप, इसको सॉल्व करो n by 2 a plus a 2a plus n minus 1 d, हो गया ये सॉल्व, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, sn की वैल्यू आ गई, तो एक ये फॉर्मूला होगा आपके पास और एक ये फॉर्मूला होगा। nth टर्म को आप l के थ्रू भी शो कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूले हो गए किसके, सम के लिए, अगर आप फाइंड करो, ठीक है। जैसे ये वाले फॉर्म देखिए आप, a क्या है 2, इसमें आप पुट कर दो वैल्यू, a क्या है 2 प्लस लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म यहां पे इस क्वेश्चन में 10, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो आप, फर्स्ट वाला जहां पे लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म गिवन है और नंबर ऑफ टर्म आपको गिवन है 5, क्या हो जाएगी वैल्यू sn की, sn इक्वल टू 2 प्लस 10 12 इंटू 5 बाई 2, ये कैंसिल और रिजल्ट क्या आ गया 30। तो सम आपने फाइंड कर लिया जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन थी, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म भी गिवन थी, तो डायरेक्ट आपने वैल्यूज पुट कर दी। नेक्स्ट हमें गिवन है, लास्ट टर्म गिवन नहीं है हमें, हमें गिवन क्या है, कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, और ये फॉर्म दे रखी, ये देखिए, तो कॉमन डिफरेंस गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, नंबर ऑफ टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन नहीं है, तो फॉर्मूला आप ये यूज करिए इसके लिए, ठीक है। तो sn क्या होगा हमारे पास, sn यहाँ पे देखिए, sn इक्वल टू n बाई 2 क्या होगा, 5 बाई 2, 5 बाई 2, 2 इंटू a, 2 इंटू a की प्लेस पे 2 प्लस n क्या है यहाँ पे 5, 5 माइनस 1 4, और d कितना है 4 माइनस 2 2, क्या आ जाएगी वैल्यू 5 बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 4 प्लस 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 4 12, कैंसिल, क्या आ गया आंसर 30। जब नंबर ऑफ टर्म 5 है तो 8 के बाद नंबर क्या होगा 10, ठीक है। तो आप इस तरीके से जब आपको फर्स्ट टर्म, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म आपको गिवन है और लास्ट टर्म आपको गिवन नहीं है, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज करिए, कौन सा ये, ठीक है, मतलब इसको ओपन कर लिया है हमने nth टर्म के फॉर्मूले के थ्रू, जहां nth टर्म आपको जब गिवन ना हो, ओके। अब अगर बात करें एपी की फॉर्म आपको क्लियर है, ये फॉर्म होगी ए, ठीक है, ए ए प्लस डी, उसके बाद ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ठीक है, इस तरीके से आपकी एपी की फॉर्म होगी, डिफाइंड भी हो सकती है और मतलब फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी, ओके। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म कैसे आएगा, ए में आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, थर्ड टर्म कैसे आएगा, ए में आप टू डी ऐड कर दो, ओके। तो यहां पे हम क्या कर रहे थे, सेकंड में से फर्स्ट को लेस कर रहे थे, तो डी आ रहा था, देखिए डी आएगा आपके पास ए प्लस डी माइनस ए, ए ए कैंसिल, रिजल्ट हमारे पास डी आ गया, तो ये भी आपका क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, ओके। तो इस वीडियो में हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन एपी का कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड जो भी आपके पास क्वेश्चंस हैं उसको कवर करेंगे, ओके, थैंक यू।